सत्तरवां जबूर जो 15 आयात पर मुश्तमिल है। दाऊद की दुआ। ऐ खुदावंद, हक को सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी दुआ पर जो बेरिया लबों से निकलती है कान लगा। मेरा फैसला तेरे हजूर से सादिर हो, तेरी आंखें रास्ते को देखें। तूने मेरे दिल को आजमा लिया है, तूने रात को मेरी निगरानी की, तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरा मुंह खता ना करे। इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से मैं जालिमों की राहों से बाज रहा हूँ। मेरे कदम तेरे रास्तों पर कायम रहे हैं, मेरे पांव फिसले नहीं। ऐ खुदा, मैंने तुझसे दुआ की है क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। मेरी तरफ कान झुका और मेरी अर्ज सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ से अपने तवक्कुल करने वालों को उनके मुखालिफों से बचाता है, अपनी अजीब शफकत दिखा। मुझे आंख की पुतली की तरह महफूज रख, मुझे अपने परों के साए में छुपा ले। उन शरीरों से जो मुझ पर जुल्म करते हैं, मेरे जानी दुश्मनों से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया है, वो अपने मुंह से बड़ा बोल बोलते हैं, उन्होंने कदम कदम पर हमको घेरा है, वो ताक लगाए हैं कि हमको जमीन पर पटक दें, वो उस बब्बर की मानिंद है जो फाड़ने पर हरीस हो। वो गोया जवान बब्बर है जो पोशीदा जगहों में दुबका हुआ है। उठ आए खुदावंद, उसका सामना कर, उसे पटक दे। अपनी तलवार से मेरी जान को शरीर से बचा ले। अपने हाथ से आए खुदावंद, मुझे लोगों से बचा, यानी दुनिया के लोगों से जिनका बखरा इसी जिंदगी में है और जिनका पेट तू अपने जखीरे से भरता है। उनकी औलाद भी हस्बे मुराद है, वो अपना बाकी माल अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा, मैं जब जागूंगा तो तेरी शबाहत से सेर होऊंगा।